हे सो गाइस, मेरा नाम है राजेश। सो दोस्तों यार, मुझे काफ़ी सारे लोग ने यही सवाल किया था कि भाई तू अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल कैसे बनाता है, इसके लिए एक जल्दी से वीडियोस बना। सो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, पूरा वीडियो को एंड तक देखती रहिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा ए टू जेड। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सेल ऐप, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, आप उस तरफ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस तरह की आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस तरह से आपको फ़ोटो खिंचा लेना होगा। अगर खिंचाने के लिए कोई बंदा नहीं है तो आपको सिंपली से यह रिकॉर्ड करना होगा अपने आप को। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड किया था अपने आप, देख सकते हैं ये जो वीडियो है एक। तो सिंपली से आपको जिस तरह से बनाना चाहते हैं, जिस तरह का टॉपिक में उस तरह का खिंचा लेना इमेज, उसके बाद सिंपली से आपको स्क्रीनशॉट कर देना होगा। जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट कर दिया, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीनशॉट पे, तो यहाँ पर सेंड के ऑप्शन में जाना होगा और उसके बाद इस तरह से डायरेक्ट ले सकते हैं हम अपने पिक्सेल ऐप पे। सो दोस्तों पिक्सेल ऐप पे आने के बाद यहाँ पर 3.2 पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद राइट पे नीचे में आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में जाना होगा 3 डॉट के आइकॉन पे। आइकॉन पे आने के बाद यहाँ पर इमेज के साइज देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको कस्टम का मिल जाएगा ऑप्शन। तो सिंपली से आपको नीचे में आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल का, तो दोस्तों उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारा इमेज जो साइज है थंबनेल का वो रेडी हो गया। सो दोस्तों आप बात रही कि हम नाम चेंज कैसे करें और कुछ अच्छे खासे कैसे लगाएं। सो दोस्तों यहाँ पर नाम चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो एक लिखा है, ए लिखे के बाद टेक्स्ट कर लेते हैं। सपोज मैं लिख देता हूँ कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। बना तो सिंपली से मैं इसको जो थोड़ा उल्टा हो गया था तो मैं इसको सीधा कर लेता हूँ सिंपली सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद आपको छोटा कर देना हो अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ये हो गया है तो इसको हम जो है छोटा कर लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना होगा या वो ध्यान से देखिए। सो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाता है, तो उसके बाद आप कलर जो है सबसे पहले कलर जो है सेट कर लेते हैं अपना। तो दोस्तों इसको मैं जो हूँ मतलब ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं इस तरह का, तो सिंपली से मैं ब्लैक वाला कर देता हूँ। और ब्लैक वाला करने के बाद यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पेंडिंग मतलब आप बड़ा छोटा कितना बड़ा लंबा चौड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों अब उसके बाद हम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करने से आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इस तरह का बनाना नहीं चाहता, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने हिसाब से साइज कर लेना यहाँ पर नीचे में। तो इसको मैं बनाना नहीं चाहता तो मैं डायरेक्ट उसको भूल कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्टाइल दिए हैं, स्टाइल का मतलब यह है कि आप किस तरह का स्टाइल रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ और सिंपली से मैं अपने मेन टॉपिक में जाता हूँ। यहाँ पर शेडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली से इनेबल कर देना होगा। इनेबल करने के बाद अब दे दीजिए कोई सा भी कलर, सिंपली से मैं ये दे देता हूँ। तो उसके बाद राइट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है और नीचे साइड में आओगे तो यहाँ पर फिर इनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली से इसको कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा जो है रेडी हो गया। तो दोस्तों कलर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई सा भी हम कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से कलर चूज कर लेना होगा आपको। और उसके बाद दूसरा टॉपिक मेन टॉपिक है ये कि स्ट्रोक मैं किस तरह से बनाता हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ और आपको भी किस तरह से बनाना है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो इसको इनेबल कर देने से कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं कुछ अच्छे खासे दिखने लग गया हमारा थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। आप नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने बस इतना लिखा है। तो यहाँ पर इमेज भी ला सकते हैं अपना, जैसे कि यहाँ पर गैलरी में डायरेक्ट आ जाएगा, तो इस तरह से आप इमेज भी ला सकते हैं अपने कोई सा भी इमेज। और यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, एरो का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी लगा सकते हैं किस तरह से लगाना है, ये अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर इरेसर भी कर सकते हैं, मतलब इसको जो है काट सकते हैं कितना, यहाँ पर इसको इतना समय कट कर देता हूँ, तो यहाँ पर
इतना हो गया। तो ये सब देखने को मिल जाएगा। इरेसर क्रोज का रोटेट का मतलब आप रोटेट कर सकते हैं 3D रोटेट, यहाँ पर 3D शेप जो ये दिए हैं यहाँ पर इनेबल करने से इस तरह से हो जाएगा। आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर मैं सभी को बता दूंगा तो बहुत मिनट्स बढ़ जाएगा मेरा वीडियो का। सो दोस्तों मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब स्टिकर लाने के लिए यहाँ पर ऊपर में आपको प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली से यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन दिखे हैं, आप गैलरी तरफ से भी डायरेक्ट ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे वीडियो में आप देखा होगा कि इस तरह से बहुत लोग करते हैं, तो इसको सिंपली से मैं भी कर देता हूँ। और यहाँ पर आप इमेज भी ला सकते हैं गैलरी का, जैसे कि मैं बताया था पहले भी, इमेज भी ला सकते हैं। और यहाँ पर अपने कलर को भी ब्राइटनेस दे सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा। और यहाँ पर सिचुएशन का भी ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर सभी को बताऊँगा। तो गैलरी में भी ला सकते हैं। तो अब दूसरे बताते हैं, दूसरे मतलब कैसे थंबनेल बनाता हूँ मैं। तो सिंपली से इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर सेव इमेज कर देना होगा। और उसके बाद आप दूसरे थंबनेल कैसे बनाते हैं, जैसे कि मेरा और 2-3 वीडियो थंबनेल में देखने को मिला होगा आपको, तो सिंपली से बैक कर देता हूँ इसको। और फिर हम अपने चले जाते हैं पिक्सेल ऐप में, पिक्सेल ऐप में। और उसके बाद हम जो इमेज दिए हैं उसको कर देते हैं, यहाँ पर 3 डॉट के आइकन पे फिर से चले जाते हैं। और इसके बाद इमेज साइज में जाते हैं, कॉस्ट्यूम में जाते हैं, यूट्यूब थंबनेल में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कलर कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली से अपने हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट वाला कर देता हूँ, थोड़ा वाइट वाला। अब इसके बाद अपने इमेज भी ला सकते हैं यहाँ पर, जो इमेज लाने के लिए यहाँ पर आना होगा आपको और यहाँ पर इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने गैलरी पे कर लीजिए, तो ध्यान रखिए कि आपको जो फोटो है वो इरेसर करना होगा, मतलब आप PNG बनाना होगा अपने वीडियोस को, फोटोज़ को। तो सिंपली से मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं पहले बनाता था इस तरह का। तो यहाँ पर आप मैं जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका था, टाइपिंग करने के लिए इमेज जाना होगा और आप टाइपिंग कर सकते हैं, फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यूट्यूब थंबनेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से आप, यहाँ पर फ्रंट भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, कलर भी चूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रोक का ऑप्शन बताया, एंटर शो का भी बताया आप लोगों को सारी। यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर सीख लो दोस्तों, जैसे कि सबको बताऊँगा तो 20-30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो गया है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं और यहाँ पर सेव कर सकते हैं अपने। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।